हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईमेल के बारे में व्हाट इज़ ईमेल स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल मैसेज ईमेल एड्रेस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फर्स्ट इज व्हाट इज़ ईमेल ईमेल क्या है ईमेल इज अ प्राइवेट कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज हैव एन अकाउंट ऑन द इंटरनेट ईमेल है वो एक प्राइवेट कॉम्युनिकेशन होता है दो पार्टीज के बीच में जिसके पास अकाउंट होता है इंटरनेट पर ई मेल इज अ प्राइवेट कॉम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज हु हैव एन अकाउंट ऑन द इंटरनेट इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ये जो है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक वे में मैसेज को सेंड करना होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ई मेल स्टैंड फोर ई मेल इलेक्ट्रॉनिक मेल ई मेल आर कन्वे थ्रू ई मेल सर्वर्स इट यूज मल्टीपल प्रोटोकॉल्स विद इन द टी सी पी आई पी सूट ई मेल का मीनिंग है इलेक्ट्रॉनिक मेल और जो ई मेल है उसे कन्वे किया जाता है थ्रू ई मेल सर्वर्स and it use multiple protocols within the tcp ip suit tcp means transmission control protocol ip means internet protocol email stands for electronic mail email messages are conveyed through email servers it use multiple protocols within the tcp ip suit for example smtp simple mail transfer protocol is a protocol यूज टू सेंड मैसेजेस, वेयर एज अदर प्रोटोकॉल्स आई एम ए पी और पी ओ पी पॉप आर यूज टू रिट्राइव मैसेजेस फ्रॉम अ मेल सर्वर एस एम टी पी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये एक प्रोटोकॉल है जिसका हम यूज़ करते हैं मैसेजेस को सेंड करने के लिए जबकि दूसरे प्रोटोकॉल्स लाइक आई एम ए पी इंटरनेटेस प्रोटोकॉल और पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आर यूज टू रिट्राइव इन दोनों प्रोटोकॉल्स का हम यूज करते हैं रिट्राइव करने के लिए मैसेजेस को फ्रॉम अ मेल सर्वर आई एम ए पी मीन्स इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ई मेल क्या है ई मेल जो है वो एक प्राइवेट कम्युनिकेशन है दो पार्टीज के बीच में जिसके पास अकाउंट होता है इंटरनेट पे इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ई मेल मिस इलेक्ट्रॉनिक मेल और जो ई मेल के मैसेजेस हैं वो कन्वे किए जाते हैं थ्रू ई मेल सर्वर और वो जो है वो मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है विद इन द टी सी पी आई पी सूट फॉर एग्जाम्पल एस एम टी पी यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये एक प्रोटोकॉल है जिसका हम यूज़ करते हैं मैसेजेस को सेंड करने के लिए जबकि दूसरे प्रोटोकॉल्स लाइक like आई एम ए पी और पॉप इसका हम यूज़ करते हैं मैसेजेस को रिट्राइव करने के लिए फ्रॉम अ मेल सर्वर आई एम ए पी मिस इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल पॉप मिस पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ई मेल मैसेज स्ट्रक्चर ऑफ ई मेल मैसेज ईमेल कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स ईमेल जो है वो कंसिस्ट करता है दो मेन पार्ट्स को फर्स्ट इज हैडर सेकेंड इज बॉडी ऑफ मैसेज फर्स्ट इज हैडर दैडर कंटेंस द नेम एंड एड्रेस ऑफ़ द रेसिपटेंट जो हैडर है वो कंटेन करता है नेम और एड्रेस रेसिपटेंट का सेकेंड इज बॉडी बॉडी कंटेन्स का मैसेज इट्स सेल्फ मॉडी जो है वो कंटेन करता है मैसेज को स्ट्रक्चर ऑफ ई मेल मैसेज ई मेल कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स फर्स्ट इज हैडर जो हैडर है वो कंटेन करता है नेम और एड्रेस ऑफ द रेसिपटेंट सेकेंड इज बॉडी बॉडी कंटेंट द मैसेज इट्स सेल्फ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ई मेल एड्रेस के बारे में ई मेल एड्रेस टू सेंड एंड रिसीव मेल्स वन नीड टू हैव एन ई मेल एड्रेस अगर हमने मेल को सेंड करना है या रिसीव करना है तो हमारे पास जो है वो ई मेल एड्रेस होना चाहिए ई मेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स ई मेल एड्रेस जो है वो दो पार्ट्स को कंसिस्ट करता है फर्स्ट इज़ यूजर नेम सेकेंड इज़ डोमेन नेम फर्स्ट इज़ यूजर नेम इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन अकाउंट ये जो है वो एक नेम होता है पर्सन के अकाउंट का विच कैन बी एन एक्चुअल नेम जो कि एक्चुअल नेम भी हो सकता है और एनी नेम और कोई और दूसरा नेम भी हो सकता है यूज़र नेम इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन अकाउंट विच कैन बी एन एक्चुअल नेम और एनी नेम सेकेंड इज़ डोमेन नेम इट इज़ द लोकेशन ऑफ़ द पर्सन अकाउंट ये जो है वो एक लोकेशन होता है पर्सन के अकाउंट का ऑन द इंटरनेट इंटरनेट पर जिसे हम सेपरेट करते हैं बाय अ पीरियड डॉट के साइन से डोमेन नेम इट इज़ द लोकेशन ऑफ अ पर्सन अकाउंट ऑन द इंटरनेट सेपरेटेड बाय अ पीरियड ई मेल एड्रेसेज ई कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स फर्स्ट इज़ यूज़र नेम सेकेंड इज डोमेन नेम यूजर नेम इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन अकाउंट विच कैन बी एन एक्चुअल नेम और एनी नेम डोमेन नेम इट इज़ द लोकेशन ऑफ द पर्सन अकाउंट ऑन द इंटरनेट सेपरेटेड बाय बाय अ पीरियड एंड देन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मैंशन उसके बाद टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो मैंशन किया जाता है फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम एट द रेट डोमेन नेम दिस टू पार्ट्स आर सेपरेटेड बाई एट द रेट सिम्बल फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम एट द रेट सिम्बल देन डोमेन नेम उसके बाद टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मैंशन किया जाता है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेज ऑफ ई मेल ईमेल की कौन कौन सी एडवांटेजेस है फर्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक मैसेज इज नॉमिनल जो कॉस्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को सेंड करने की वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है नेक्स्ट इज़ द मैसेज आर सेंड एंड रिसीव इंस्टेंटली जो मैसेज को भेजा जाता है और रिसीव किया जाता है वो होते हैं इंस्टेंटली वी कैन अटैच पिक्चर्स वीडियो साउंडस टू आर ई मेल्स एंड सेंड इट टू एनी वन हम जो है वो अपनी मेल्स में पिक्चर्स को वीडियोज को और साउंड को अटैच कर सकते हैं और भेज सकते हैं किसी को भी वी कैन रीड प्रिंट फॉरवर्ड रिप्लाई और डिलीट द रिसीव मैसेज जो हमें रिसीव हुआ हुआ है मैसेज उसे हम पढ़ भी सकते हैं उसका हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं उसको हम किसी और को भी सेंड कर सकते हैं उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं तो कौन कौन सी एडवांटेजेस है ई मेल की फर्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस नॉमिनल नेक्स्ट इज The messages are sent and received instantly. Next is we can attach pictures, videos, sounds to our emails and send it to anyone. Last is we can read, print, forward, reply, or delete the received message. Next, I'm discuss disadvantages of email. Disadvantages of email. First is responding through an email takes more time. रेदर देन अदर मैसेज सर्विसेज लाइक व्हाट्सएप एक्सेट्रा कई बार ईमेल से हमें जो है वो बहुत डिले रिप्लाई मिलता है दूसरे मैसेज सर्विसेज के कंपैरिजन में लाइक व्हाट्सएप एक्सेट्रा रिस्पोंडिंग थ्रू एन ई मेल टेक्स मोर टाइम रेदर देन अदर मैसेज सर्विसेज लाइक व्हाट्सएप एक्सेट्रा नेक्स्ट इज एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन ई मेल्स आर लेस पर्सनल अगर हम इसे कम्पेयर करें दूसरे फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन से तो ई मेल्स जो हैं वो लेस पर्सनल होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वेन यू टॉक टू एनी वन ओवर द फ़ोन और मीटिंग फेस टू फेस इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर कम्युनिकेटिंग दैन ई मेल अगर हम कंपेयर करें दूसरे फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन से तो ई मेल्स आर लेस पर्सनल तो ये था ई मेल के बारे में उसके ई मेल एड्रेस के बारे में एडवाटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल के बारे में आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना थैंक्स फॉर वॉचिंग